यही विभाग जब जदयू कोटे में था आपने एक बार भी कैंसिल करने का काम नहीं किया। आज आपके एक भी जदयू कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनका कोई भी समीक्षा नहीं होता है, और गठबंधन में हम रहे या आरजेडी रहे या कोई रहे, उसका गठबंधन का समीक्षा होकर के उसकी फर्जियत की जाती है जनताओं के बीच में, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप सिर्फ राजस्व विभाग में ही खराब हो रहा है, मेरा कहना कि सारे विभागों में संलिप्तता है, आप सारे विभागों को समीक्षा करें, सबों को कैंसिल करें। देखिए ये बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, कभी भी इन लोगों का निकाह टूट सकता है, कभी भी तलाक हो सकता है। तीन तलाक के तैसे मान्य समाप्त कर दिए हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन इनके तीन तलाक कभी भी जदयू कह सकता है और आरजेडी जदयू को कह सकता है, ये बड़ी बात नहीं, चिंता मत करिए। तो इंतजार में है कि तेजस्वी कब जेल जाए कि हम यहाँ से भागे। इस खेला के पीछे उनके एक शीर्ष अधिकारी जो खास उनके नजदीकी हैं, जो पूर्णिया में जमीन का कारोबार करते हैं, वो भी अपने मन मुताबिक चाहते हैं कि सीओ मिले। पूर्व भूमि सुधार राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने मुख्यमंत्री नीतीश पर लगा दिया बड़ा आरोप, सिर्फ राजद और भाजपा कोटे के मंत्रियों के विभागों की जांच क्यों कराते हैं नीतीश। शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। तेजस्वी और लालू यादव के करीबी माने जाने वाले आलोक मेहता के द्वारा किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया है, जिससे एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार में भूमि एवं राजस्व विभाग के 480 अधिकारियों के ट्रांसफर पर जिस तरह मुख्यमंत्री ने रोक लगाने की कार्रवाई की है, उसके बाद कुछ दिनों से शांत पड़ चुकी बिहार की राजनीति को फिर से गर्माहट मिल गई है। एक साल पहले तक बिहार में एनडीए की सरकार में भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रह चुके राम सूरत राय ने मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक विभाग की तरफ ही क्यों देखते हैं, जबकि उनके सारे विभागों में इस तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। अगर एक विभाग में गड़बड़ी मिली है तो मुख्यमंत्री सभी विभागों की जांच करवाए, सभी में गड़बड़ी जरूर मिलेगी। आगे सुनिए राम सूरत राय ने क्या कहा। मैंने तो खुल के कहा कि आपके विधायकों ने पैर भी दिया है, पैर भी किया है, ये नियम के तहत नहीं आता है। मैं आज भी माइक पर बोल रहा हूँ कि ये कानून के तहत सरकार चलती है। तो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मैंने कहा कि पैर भी सुनना है, देखना है, करना है। तो अब विधायक जब दबाव देते हैं तो हर विधायक की बात मानी नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे अनुशंसा करते हैं, कोई जूनियर है, कोई टाइम पूरा नहीं हुआ है, कोई उस योग्य व्यक्ति नहीं है। तो इस कारण उस विधायक को लगता है कि मंत्री हमारी बात को नहीं सुना और जाके अपने शीर्ष नेताओं से शिकायत करता है और माननीय मुख्यमंत्री से भी शिकायत करता है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्राइवेट एजेंसी से उसका जाँच कराते हैं कि क्या मामला है, तो प्राइवेट एजेंसी भी अपना उल्लू सीधा करता है, क्योंकि वो भी जमीन माफिया का काम करता है, वो भी चार वो सीओ का पोस्टिंग कराता है, नहीं होता है तो कहता है कि पोस्टिंग खराब हो गया। तो ये आप सिर्फ राजस्व विभाग में ही खराब हो रहा है, मेरा कहना कि सारे विभागों में संलिप्तता है, आप सारे विभागों को समीक्षा करें, सबों को कैंसिल करें। इस खेल से जो है राजद और जेडीयू के रिश्ते में पर जो है असर पड़ेगा। देखिए ये बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, कभी भी इन लोगों का निकाह टूट सकता है, कभी भी तलाक हो सकता है। तीन तलाक के तैसे माननीय मुख्यमंत्री जी समाप्त कर दिए हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन इनके तीन तलाक कभी भी जदयू कह सकता है और आरजेडी जदयू को कह सकता है, ये बड़ी बात नहीं, चिंता मत करिए। जब जब इस तरह की प्रक्रिया होती है, मुख्यमंत्री जी को भागने का मन जब होता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ अगल बगल समीक्षा करने के निकल जाते हैं, टाइम पास करते हैं, तो इंतजार में है कि तेजस्वी कब जेल जाए कि हम यहाँ से भागे। इस खेला के पीछे उनके एक शीर्ष अधिकारी जो खास उनके नजदीकी हैं, जो पूर्णिया में जमीन का कारोबार करते हैं, वो भी अपने मन मुताबिक चाहते हैं कि सीओ मिले, विधायक चाहते हैं कि हमारे मन मुताबिक मिले। सत्ता जब परिवर्तन होता है सभी विधायक चाहते हैं कि मेरे अनुसार जिलाधिकारी की पोस्टिंग हो, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दबाव में प्रेशर में गड़बड़ियां होती हैं। और निश्चित तौर पे इसमें जो गड़बड़ी हमने देखा था, पूरे को अध्ययन मैंने किया था, इसमें सबसे बड़ी गलती थी कि जो जूनियर आरओ था उसको अंचलाधिकारी का पोस्टिंग कराया गया, ब्लंडर मिस्टेक था। किसी का समय टर्म नहीं पूरा था, उनकी बदली की गई थी, किसी की मजबूरियां रही होगी, पैर भी रहा होगा, उसके लिए कारण किया गया था। लेकिन बार बार एक ही अपने गठबंधन के एक ही विभाग के पर माननीय मुख्यमंत्री जी पटाक्षेप करते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकते हैं, इसके पीछे उनके शीर्ष अधिकारी हैं जो बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट में अपनी पूंजी को लगाते हैं और वहाँ अंचलाधिकारी को पोस्टिंग कराना चाहते हैं। तो मंत्री को ये दिमाग में होता है कि मैं अपने प्रतिनिधियों को भी मौका दूँ, अपने विधायकों को मौका दूँ, जिस कारण से गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपको लगता है कि एक विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है,
मैं खुलेआम चुनौती के साथ कहता हूं कि आपके अन्य विभाग भी हैं, चाहे आपके कोटे के मंत्री हों, चाहे महागठबंधन के हों, चाहे कांग्रेस कोटे के हों, आप सिंपल के तौर पे आप हर गठबंधन के साथी के जितने विभाग हैं उसमें से जो बड़े बड़े विभाग हैं उनको आप समीक्षा करें। सारे विभागों में समीक्षा करने के बाद तब निर्णय लेना चाहिए, लेकिन आप कंटिन्यू यही विभाग जब जदयू कोटे में था आपने एक बार भी कैंसिल करने का काम नहीं किया। आज आपके एक भी जदयू कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनका कोई भी समीक्षा नहीं होता है, और गठबंधन में हम रहें या आरजेडी रहे या कोई रहे उसका गठबंधन का समीक्षा होकर के उसकी फर्जियत की जाती है जनताओं के बीच में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सबसे भ्रष्टाचारी इनके अधिकारियों को मानता हूँ, इनके पदाधिकारियों को मानता हूँ, क्योंकि इनके अधिकारी आज भी जो आज हत्या हो रहा है मुजफ्फरपुर में हो, पटना में हो, भागलपुर में हो, पूर्णिया में हो, जो बड़े बड़े गया में हो, तमाम जगह सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को सरकारी अधिकारी कब्जा कर रहे हैं, गलत तरीके से कागज बनवा रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, ये बड़े पैमाने पे जांच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मांग करता हूँ कि आप तमाम शहर में ऐसे 12 कम से कम 5-6 ऐसे कमिश्नरी हैं जैसे गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, ऐसे जगहों पर आप जानकारी लें जो पूर्व में वहाँ डीएम रहे, वहाँ ने प्रॉपर्टी को खरीदा, आईएएस आईपीएस रहे उन्होंने खरीदा, कोई राजनेता इन्वॉल्व है, तमाम तरह से ऐसे लोग बड़े बड़े गुर्गे जो हैं पर्दा के पीछे हैं, तमाम छोटे छोटे लोग पर्दा के आगे हैं, और आए दिन हत्या लूट अपहरण जो हो रहा है इसका बहुत बड़ा कारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसकी समीक्षा करें, और अपने अधिकारी जो आपके बगल में बैठते हैं, आप जिसको सेंटिंग पोस्ट पर रखते हैं, आप अपने काम के लिए रखते हैं, उन पर भी आँच आना चाहिए और उनका भी जाँच होना चाहिए। नेता ही भ्रष्ट नहीं, आपके अधिकारी भी भ्रष्ट। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9939475311। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।